होम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी आज की वीडियो 14 अगस्त की आई मेकअप पे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लाइट ग्रीन कलर लेना और इसकी क्रीज लाइन बनानी है। ब्रश को हल्के हाथ से चलाना है और क्रीज लाइन को हमने क्रिएट करना है यहाँ पे। लाइट ग्रीन कलर आप लोगे और अपनी क्रीज लाइन को आप इन्हांस करोगे। आप जब ये क्रीज लाइन बन जाएगी आपकी इस तरह से, तो आप ग्रीन की डार्क शेड लोगे और आंख के आउटर कॉर्नर को यहाँ पे ब्लेंडिंग करोगे। सारा काम आपकी ब्लेंडिंग का है। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी, उतना ही आपका आई मेकअप अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। ये तो मेरा हाथ है, मगर जब आप आंख पे इसी तरीके से करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आंख की इनर साइड पे भी आपने इसी तरह से ब्लेंडिंग करनी है। कलर आपने थोड़ा थोड़ा लेना है और उसी को ब्लेंड करना है जो कलर आपने लिया हुआ है। इसी तरह से इस कलर को थोड़ा आगे बढ़ाना है। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। कोई हार्श लाइन ना हो, कोई मेकअप रखा हुआ ना हो, कोई कलर रखा हुआ ना लगे। मज़ीद कॉर्नर्स को डार्क करना है आपने। कॉर्नर्स को आपने डार्क करते रहना ताकि आपकी शेड बने लाइट से डार्क और आपका मेकअप बहुत अच्छा लगे। जितना मेकअप वेल ब्लेंडेड होगा उतना ही सबको पसंद आएगा। आपने लेयर्स में काम करना है। लाइट कलर लेना है, उसको ही दोबारा से डार्क में लेके आना। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने कोई भी बेस लेनी है। अब हमने दोबारा से बेस लेनी है और अपनी आईलिड पे इस तरह से लगा देना है। मिड में, आई लीड के मिड में लगाना है आपने। और अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। ये लगाने के बाद आपने लाइट सा कलर लेना है, लाइट सा ग्रीन। ये आपने मिड में लगा लेना है। ये देखिए, ये कलर आपने दरमियान में लगा देना इस तरह से और दोबारा से ब्लेंड करना है ताकि कोई हार्श लाइन नज़र ना आए। हल्के हाथों से दोनों कलर्स को आपस में मिक्स करना है। सारा काम मिक्सिंग का है, सारा काम ब्लेंडिंग का है। जितना मेकअप ब्लेंड होगा उतना आप सीखोगे। ये मेरे हाथ की सरफेस है तो इस पे ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हो रही, मगर जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से अगर आप आंख पे मेकअप करोगे तो बहुत ही अच्छा मेकअप होगा आपका। ये हो गया। इसके बाद वाइट कलर लेंगे जिससे अपनी ब्रो बोन, इसको हाईलाइट करेंगे, ब्रो बोन को। आईब्रोज के जो नीचे ये जगह होती है इसको हम वाइट कलर लगाएंगे। इसके फ्रंट पे भी हम
आँख को इनहेंस करने के लिए ये वाइट कलर देंगे, मगर ये भी ब्लेंड होना चाहिए, ये यहाँ पे रखा हुआ ना हो। अब इसी ग्रीन कलर को हमने आँख के नीचे भी देना है, इससे ये होगा कि आँख खुली खुली लगेगी आपकी। आप चाहें तो इसमें ब्लैक कलर भी मिक्स कर सकते हैं, ब्लैक कलर से ये जगह आँख की उठी हुई लगेगी, आँख खुली खुली लगेगी। फिर आप सारे मेकअप की दोबारा से ब्लेंडिंग करेंगे, दोबारा से आपने ब्लेंड करना है सब कुछ, ताकि मेकअप सॉफ्ट भी लगे। इसके बाद आपने आईलाइनर देना है, एक बार एक लाइन लगानी है पहले, सीधी बारीक लाइन, और हल्का सा विंग विंग बना देना है आपने, ये देखें ये विंग भी बन गया। इसके बाद आपने वाइट कलर में कोई सा भी आपने, ये मेरे पास किस कंपनी का है, ये मेरे पास हैंग फैंग के ग्लिटर है, तो उनमें से आप वाइट शेड लोगे और आप आँख की इस एरिया पे लगाओगे। आप कोई भी ग्लिटर लगा सकते हो यहाँ पे, इससे आपका मेकअप मज़ीद इनहेंस होगा, आपकी आँख मज़ीद इनहेंस होगी और मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। इट्स फाइनल लुक, ऐसा मेकअप आप कर सकते हो, और मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स।